सालम बकरा, मटन खड्डी कबाब, रोश और ऐसे ही और भी मजेदार खाने आ गए हैं कराची के सबसे मजेदार इफ्तार डिनर बुफे में, जो कि इसको बना देते हैं कराची का नंबर वन इफ्तार डिनर बुफे। तो ये शाही बुफे लग चुका है कराची के न्यू आलिशान रेस्टोरेंट मैलमा पर, जिसका मतलब होता है मेहमान। तो दोस्तों, अब आपके लिए आ चुका है एक बिगेस्ट ग्रैंड इफ्तार प्लस डिनर बुफे, जिसमें आपको ऐसी ऐसी डिशेस मिलेंगी जो आपके पूरे कराची में किसी भी रेस्टोरेंट पे नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा शानदार बुफे जो कि सिर्फ और सिर्फ कराची वालों के लिए लगाया गया है मैलमा रेस्टोरेंट में। तो चलिए इस रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी डिशेज है, जायके कैसे, प्राइस कैसे, सब बताऊंगा आज मेरे साथ। अच्छा दोस्तों, मैं मैलमा रेस्टोरेंट में एंटर हो चुका हूँ, जो इनका ग्राउंड फ्लोर है उस पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रमज़ान में मैलमा रेस्टोरेंट में आपको दो किस्म के रमज़ान स्पेशल पैकेजेस मिलेंगे, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर जो कि पूरा आप सेटअप देख सकते हैं कैरो फ्लोर है। मतलब यहाँ पे जितने भी फ्लोर है उनके नाम रखे गए हैं, डिफरेंट मुल्कों पर उनके शहरों पर नाम रखे गए हैं। तो यहाँ पे कैरो फ्लोर पे जो आपको मेन्यू मिलने वाला है वो फिक्स मेन्यू है, जो कि आप इसकी लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग आइटम दिए गए हैं। आप इसमें अपनी मर्जी से जो भी आइटम मंगवाना चाहें वो मंगवा सकते हैं, उनकी प्राइसेस वगैरह भी लिखी हुई हैं। ये बुफे नहीं है, बुफे के लिए अब हम इनके टॉप फ्लोर पर चलते हैं और आपको बताते हैं बुफे में कौन कौन से आइटम यहाँ पर आपको मिलेंगे और उनकी प्राइस क्या है। तो फ्रेंड्स, अब ये है मैलमा रेस्टोरेंट का बाकुनाइट फ्लोर, मतलब यहाँ के जो रूफ टॉप है उसको भी एक नाम दिया गया है जिसका नाम है बाकुनाइट। और यहाँ पर आपको इस रमजान में जो खास तौर पर मैलमा रेस्टोरेंट वालों ने कराची वालों के लिए एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त किस्म के इफ्तार प्लस डिनर का तमाम करा है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बशारत, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप कैसे? अच्छा बशारत, आपके ये मैलमा रेस्टोरेंट में, आप मुझे बताओ कि आपके इस इफ्तार प्लस डिनर में कितने आइटम मौजूद हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, प्राइस क्या है, सारी मालूमात आप मुझे दो, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं ये। जी जी सर, बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको विजिट भी कराता हूँ, आपको कंप्लीट डिटेल भी बताता हूँ, तो बिल्कुल मैं आपको विजिट करा देता हूँ। तो कमाल भाई, सबसे पहले हमारे जो स्टार्टर है वो स्टार्टर शुरू होते हैं जहाँ से, जैसे हमारे पास रशियन सैलेट है, फतूस सैलेट है, दही बल्ले है, मैक्सिकन सैलेट है, इटालियन सैलेट है, ग्रीन सैलेट है, इसके अलावा हुम्मस है, फ्रूट चाट है, फ्रेश फ्रूट है। तो अच्छा बशायर, मैं इधर देख रहा हूँ फूड की क्वालिटी, मुझे यहाँ पे सिर्फ जो आपने सैलेड अभी दिखाई है उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, उसके बाद कौन कौन से आइटम यहाँ पे मौजूद है? उसके बाद हमारे पास है समोसा है और स्प्रिंग रोल है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पकौड़ा है, पकौड़े आ गए टू टाइप्स के, जी जी, इसके अलावा हमारे पास है फिश एंड चिप्स है, फिश एंड चिप्स आ गई, इसके अलावा फ्राइज है हमारे पास, फ्राइज आ गए, फ्रेंच फ्राइज आ गए, इसके बाद हमारे पास है फ्राइड विंग्स है, ठीक है, बहुत टेस्टी है, अच्छा क्रिस्पी विंग्स आ गए चिकन के, इसके अलावा क्रॉकरी है हमारे पास, ठीक है, फ्राइड वेजिटेबल्स आ गई है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास है ड्रैगन चिकन है। अच्छा ड्रैगन चिकन माशाल्लाह से दिखने में काफी खूबसूरत से लग रही है, इसकी प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, यकीनन टेस्ट में भी काफी अच्छी होगी, अच्छा आप टेस्ट कर ले, बहुत अच्छा है टेस्ट में माशाल्लाह। इसके अलावा अल्फ्रेडो पास्ता है, बहुत यम्मी टेस्ट है अल्फ्रेडो पास्ता, बहुत अच्छा है। अच्छा जो प्रेजेंटेशन है वो आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छी देखी है, उसी की वजह से फिर पता चलता है कि टेस्ट यकीनन बहुत अच्छा होगा। अच्छा ये क्या आ गया, ये मुझे बताओ, ये काफी स्पेशल लग रहा है, ये खड्डी कबाब है जो कराची के किसी भी रेस्टोरेंट में आपको नहीं मिलेगा, ये स्पेशल मैलमा रेस्टोरेंट में, आप देख लीजिए और इसमें और टेस्ट बहुत आला किस्म का टेस्ट है, और कराची में आई थिंक किसी रेस्टोरेंट में आपको ये नहीं मिलेगा। मतलब फ्रेंड्स, मैलमा रेस्टोरेंट जो एक असली और नस्ली इफ्तार प्लस डिनर होता है ना, वो मैलमा रेस्टोरेंट आपको दे रहा है कराची वालों के लिए, जबरदस्त हो गया। अच्छा ये भी एक कोई स्पेशल सी डिश लग रही है, ये भी स्पेशल डिश है, ये भी कराची में कम तर रेस्टोरेंट में होता है, ये हमारे पास है मटन हुंदाई कबाब है और चिकन बोटी है, ये हुंदाई कबाब है हमारा, बहुत टेस्टी है, स्पेशल है हमारा भाई, मटन के काफ़ी ज़्यादा आइटम यहाँ पे मौजूद हैं और खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आई है इनकी। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद मंगोलियन बीफ है, ये भी कराची में किसी भी रेस्टोरेंट में आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल मेलमा रेस्टोरेंट में है और बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास है वेजिटेबल फ्राइड राइस है, वेजिटेबल फ्राइड राइस आ गए गर्मा गर्म से, चिकन चौमिन, चिकन चाउमीन आ गया यार, ये तो सबको ही पसंद होता है। अच्छा बशारत, अब ये क्या है?
अच्छा ये है हमारे पास कंदारी जफरानी राइस जो के मेलमा की स्पेशल है और किसी भी रेस्टोरेंट में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मेलमा में है ये और मेलमा की ये स्पेशल। अच्छा सैफ्रन राइस, मतलब नाम से ही इतने जबरदस्त लग रहे हैं और ये मैंने कहीं पे भी जितना भी मैंने विजिट करा मुझे नहीं मिले, मैं इनको लाजमी टेस्ट करूंगा। खुशबू इनकी बहुत अच्छी आ रही है। इसके अलावा ये है जिंजर हंडी, ये भी बहुत टेस्टी है और ये भी कम तर रेस्टोरेंट में मिलती है और मेलमा में तो स्पेशल है हमारा, ये भी आप ट्राई जरूर कर लीजिएगा। और ये है मटन कीमा, ठीक है ये भी आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा कीमा भी जो मटर कीमा है वो भी आपको मटन में मिलेगा, तो ये स्पेशल हो गया ये हमारा, ये भी मटन में मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद और इसके अलावा सबसे जो बेस्ट है हमारा आ गया अभी जो हमारे अफगान ट्रेडिशनल कुजीन है मटन रोश है, ठीक है तो डीप फ्राई रोस्ट यार जबरदस्त यार। अच्छा मटन के मैं देख रहा हूँ आपके पास जितने भी आइटम है ना काफी डिफरेंट टाइप के हैं, जो कि कहीं नहीं मिलते वो आपके पास मिलते हैं। तो जो ऐसे लवर हैं कराची में इफ्तार प्लस डिनर खाने के लिए, जो ढूंढते कुछ अलग मिल जाए, तो उनको इधर आके इफ्तार प्लस डिनर लाजमी ही करना चाहिए। उसके बाद है चिकन कढ़ाई है। अच्छा जबरदस्त चिकन कढ़ाई देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी है और भाई फुल धूम मचाने वाले हैं मेलमा रेस्टोरेंट वाले इस इफ्तार प्लस डिनर में इस रमजान में। अच्छा अब क्या है? और ये है ट्रेडिशनल हमारे जो अफगानी कुजीन है बीफ दो प्याजा है और ये भी बहुत अच्छा है और किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं है, मेलमा पे मिलेगा आपको स्पेशल और बहुत आला किस्म का है और बहुत जबरदस्त टेस्ट है इसका भी। इसके बाद ये है चिकन बिरयानी है, की मशहूर बिरयानी है और हमारे मेलमा की भी ये मशहूर हो गई है, ठीक है माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। बिरयानी लवर के लिए यहाँ पे बिरयानी भी मौजूद है। और ये क्या आ गया? और इन सबसे जो हमारा मजे का है वो है हमारा ट्रेडिशनल फूड की जो बेसिक हमारा जो एक अच्छा टेस्ट है जबरदस्त है वो है अफगानी पुलाव, जो आपको कराची में किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा और बिल्कुल यहाँ आए टेस्ट करे और बहुत मजेदार फूड है हमारा ये इंशाल्लाह। ये है चिकन कॉर्न सूप, ठीक है सूप आ गया, मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको सूप वगैरह भी मिलेगा। अच्छा बशाद आपके इस इफ्तार प्लस डिनर में डिजर्ट्स हैं? जी जी बिल्कुल हमारे पास डिजर्ट्स है, 15-20 किस्म के हमारे पास डिजर्ट है जिसमें बड़ों का भी और छोटों का भी हमने ख्याल रखा है। बिल्कुल बिल्कुल मैं देख सकता हूँ काफी अच्छी वैरायटी आपके पास डिजर्ट्स में भी मौजूद है, हर आइटम मिल जाएगा जो कि सबको पसंद होता है और मुझे उम्मीद है कि दूसरे आइटम की तरह आपका डिजर्ट्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अच्छा प्रशांत बाकू नाइट पर आपके इस फ्लोर पर यहाँ पे इफ्तार प्लस डिनर की प्राइस क्या है उसका बताएं? यहाँ पे बाकू नाइट पे हमारे पास जो बुफा लगा है इसकी जो हमारे पास इफ्तार प्लस जो डिनर की जो प्राइस है 39,95 प्राइस है प्लस 13% GST लगेगी। तो दोस्तों अब इफ्तार का टाइम होने लगा है और मैं अपनी पसंद से जितने भी मुझे आइटम अच्छे लगे थे इफ्तारी के लिए खासतौर पर वो मैं लेकर आ चुका हूँ। खासतौर पर जो इनका स्टेक है मैंने वो लिया है, उसके अलावा चिकन अल्फ्रेडो पास्ता लिया है, फिंगर फिश लिया है, फ्राइड चिकन लिया है, उसके अलावा सैलड्स की वैरायटी मुझे इनकी बहुत अच्छी और स्पेशल खास किस्म की लगी जो कि इससे पहले आज तक मैंने किसी भी रेस्टोरेंट में देखी थी। और ड्रिंक्स यहाँ पे आपको तकरीबन 6 अलग अलग फ्लेवर के ड्रिंक्स ही मिलते हैं वो भी अच्छे खासे हाई क्वालिटी के। तो चले अब ऐसा करते हैं कि इसके इफ्तार करते हैं और इफ्तारी के बाद फिर मैं आपको यहाँ के डिनर आइटम दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स हमारी इफ्तार हो चुकी है, उसमें जितने भी आइटम थे मैंने खाए मुझे बहुत अच्छे लगे, उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं लेकर आ चुका हूँ जितने भी हमारे डिनर के आइटम है, मतलब मेन कोर्स जो मिलेगा वो लिया मैंने, साथ में डिजर्ट्स भी लिए। तो मेन कोर्स में जो मैंने लिया है मैं आपको बताऊँ कि मैंने यहाँ पे लिया है जो इनके खड्डी कबाब है मटन के, वो स्पेशलिटी है वो लिए, उसके साथ राइस लिए साथ में और अलग से जो सैफ्रन राइस थे वो लिए हैं, उसके अलावा अफगानी पुलाव लिया है, साथ में बीफ दो प्याजा था वो लेकर आया हूँ,
मटन सी कबाब लिए हैं, उसके अलावा रोश है, मटन की में कढ़ाई है, नान है, भरपूर किस्म का हमारा मेन्यू आ चुका है। और जैसा कि मैलमा का मतलब है मेहमान, तो आज जब हम इनके मेहमान बने तो मुझे यहाँ पे मेहमान बन के बहुत खुशी हुई है, क्योंकि इतने सबस यहाँ के आइटम हैं। और जब मैंने इनका मटन खड्डी कबाब खाया, माशाल्लाह से इसका क्या टेस्ट है, भरपूर जो ओरिजिनल एक मटन का फ्लेवर होता है उनके मीट के अंदर, वो इतना जूसी, इतना रसीला है इनका मीट है, साथ में फ्लेवर बहुत अच्छा है। और उसके अलावा राइस भी जो इसके साथ आते हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर मटन की जो खुशबू है, मटन का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से रचा बसा, मतलब भरपूर किस्म का ये मटन खड्डी कबाब है। और उसके अलावा मुझे मटन रोश बहुत अच्छा लगा, इससे पहले मैंने एक जगह पर खाया था लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अब ये मेरा नंबर वन फेवरेट बन चुका है मेलमा रेस्टोरेंट का मटन रोस्ट, साथ में मटन कीमा, मटन के सी कबाब और दीगर जितने भी आइटम हैं माशाल्लाह से भरपूर है, जायका बहुत है, ऐसी क्वालिटी, ऐसा मेयार और इतना जबरदस्त जायका मुझे अभी तक किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिला। मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंड, मैं यही बोलूंगा कि मेलमा जैसा रेस्टोरेंट आपको कराची में ढूंढने से ही मिलेगा। तो फिर मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।